या चली चल मेरी भैया, खेतों खेत चली चल मेरी भैया, भैया चली गई। ओम प्रकाश भैया यहाँ भी अपनी एक तरफ जमीन ना डूबे और दूसरी तरफ बिना बांध के भी पानी किसान के खेतों में इंटैक बैल, मतलब छोटा पानी थोड़ा सा रोका नर्मदा जी में और खींच लिया, तो वो व्यवस्था अपने यहां लागू करेंगे। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मैं मुख्यमंत्री क्यों हूं, मैंने कहा आपकी जिंदगी बदल लेगी, कोई कुर्सी पे बैठने के लिए थोड़े। अरे मेरी बहनें बैठी है, बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने तुम्हारे खाते में कभी पैसा डाला था क्या? आज जोर से बोल के बताओ, डाला था क्या? ये तो मेरे ही मन में आया कि मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, मेरी किसान बहनें हजार हजार दो दो हजार रुपया के लिए परेशानी हो जाती है। सही बात है कि नहीं? जरूरत पड़े तो मांगना पड़ता है, बेटा बेटी को कपड़े दिलाना हो, मायके जाना हो, और कोई काम की जरूरत पड़ जाए तो कई बार पैसा नहीं होते। मेरे मन में ये विचार आया, मेरी बहनाओं इससे विराज तू तो भैया है, बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? मैं तो भैया हूँ। अब भैया हूँ तो भैया राखी के दिन राखी बंधवा के बहनों को पैसा देता कि नहीं देता, कपड़े दिलाता कि नहीं? तो मैं भी भैया हूँ, भैया सगा हूँ, सोतेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तो इतनी बहन है। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि शिवराज ऐसी तरकीब कर कि बहन हाथ ना फैलाए, उनका अपना खाता हो, जब जरूरत पड़े पैसा निकाले और उनके सारे काम पूरे हो। और इसलिए लाडली बहना बनाई, इसलिए लाडली बहना बनाई। और मेरी बहनों, मेरी बहनें भी कम नहीं है, 1,32,00,000 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी इतनी बहनें हो, उसका कोई क्या बिगाड़ हो सकता है। लेकिन 1,32,00,000 के खाते में 1,000 डाले तो 15,000 करोड़ लगते हैं। कितने लगते हैं? कोई और दे सकता था क्या? मेरी बहनों, ये तुम्हारा भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हमने कहा देंगे चाहे कुछ हो जाए, और इसने 1,000 रुपया से शुरू किया, अब 1,250 कर दिया। अरे मेरी बहनों, भाषण इधर, मैं तो बात कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? अरे जोर से बोलो, बदली कि नहीं बोली? बदली। जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? देखो मेरी बहना बोल रही बदल गई। मैंने कई बहनों से पूछा कि क्या फर्क पड़ा, तो मेरी बहन कह रही भैया आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो तुम? और कई बहनों ने मुझे कहा कि आजकल उनके पतिदेव भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आ गया कि नहीं आए? ये सच्चाई है। अब अभी मिलूंगा, ज्यादा समय मिलूंगा, बहन को इधर बिठा लो, ज्यादा समय मिलके जाऊंगा, क्योंकि समय का मैं जरूर मिलके जाऊंगा। अब सुन लो दो तीन बातें। नंबर एक, 1,250 पे रुका नहीं रहूंगा, आधी आबादी को पूरा न्याय देंगे, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। कैसे इंतजाम होगा? जैसे 1,000 से 1,250 किए, 1,250 से बढ़ा के 1,500 रुपया करूंगा, 1,500 से 1,750 करूंगा, 1,750 से 2,000 करूंगा, 2,000 से 2,250 करूंगा, 2,250 से 2,500 करूंगा, 2,500 से 2,750 करूंगा, और 2,750 से बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो। मेरी बहनें बोली, सुन ले पूरी दुनिया, भाइयों तुम जल तो नहीं रहे, अरे कुछ सच नहीं हो, 3,000 रुपया दूंगा ये संकल्प है। 12 दिया 36,000 रुपया साल, अभी 15,000 रुपया साल आ रहे, 36,000 रुपया साल जब आएंगे तब मेरी बहनों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, बहनें खिलखिलाएंगी, मुस्कुराएंगी, आगे बढ़ेंगी, उनकी जिंदगी बेहतर। बहना योजना, ये तुम औरत केवल रोती रहेगी, क्या आंसू बहाती रहेगी, क्या मजबूरी में दिएगी? हम भी इंसान है, हम में भी जान है, हम भी सुख से रहेंगे। और सुनो मेरी बहनों, समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ, ये मेरी समूह की बहनों, मैं सारे जमाने के सामने कह रहा हूं, मेरा लक्ष्य है
को लखपति बनाना। लखपति सुन लो, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है लखपति बनाऊंगा। और लखपति बनाने का मतलब है महीने में 10,000 रुपया की कमाई, बाकी काम करके होनी चाहिए लाडली बहना के अलावा, साल में 1,00,000 से ज्यादा। कई लखपति दीदियां बन गई है, बाकी को नहीं छोड़ूंगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देना है, गरीब नहीं रहेंगे लखपति बनेंगे। काय को रोए हम, ये धरती का केवल रोने के लिए आए क्या? नहीं रोएंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसलिए अलग अलग योजना है मेरे भाई बैठे किसान भाइयों, एक कप लाडली बहनों को 1,250 भी मिल रहे, 1,000 रुपया तो किसान भाइयों को भी मिल रहे। 6,000 PM 6,000 CM देते हैं, पहले 6 PM के, फिर 6 CM के, फिर 6 PM, पहले 2 PM के, फिर 2 CM के, फिर 2 PM के, फिर 2 CM के, फिर 2 PM के, फिर 2 CM के। और इन जगह जुगाड़ उगाड़ हो जाए तो पैसा किया तो उसमें भी देखूंगा, लाडली बहनों के बता रहा हूँ तेरा भी, भाइयों का भी देखूंगा। लेकिन एक एक परिवार जरा ईमानदारी से बताओ, अगर 2-3 बहने हैं तो कितना पैसा घर में आ रहा है, किसान का अलग, बहन का अलग। अरे बाजारों में अब किनकी नहीं दिखने दूंगा मेरी बहनों, किनकी नहीं खाने दूंगा, मोबा नहीं खाने दूंगा, साई नहीं खाने दूंगा। आगे बढ़ेंगे जी अपन, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार। और ये आप सब मेरा परिवार, ये परिवार है मेरा। बताओ मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूँ क्या? अरे मुख्यमंत्री जैसा लगता हूँ क्या? मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, तो परिवार की जिंदगी बदलना है भाई, इसलिए अपन ने सरकार बनाई है। और इसलिए एक एक चीज देख लो, खेती की बात ओम प्रकाश जी ने कही वो काम हम करेंगे ही, लेकिन आप देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री में राशन, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या फ्री में राशन? बताओ कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाले थे क्या? अरे सुन लेना मेरी बहनों, जे कमलनाथ दादा 1.25 साल के लिए आए थे, 1.25 साल के लिए तो मैं बेघा भाजिया सहरिया बहनों को 1,000 रुपया देता था, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए, 1,000 रुपया बंद। और सुन लेना लाडली बहनों, अगर ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी, ना पैसा रहेगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। कमलनाथ बार बार पूछते कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था, तुमने पाप किया था, तुमने बेगा भागे तेरिया बहनों के पैसे बंद किए थे। कमलनाथ तुमने पाप किया था, तुमने संबल योजना बंद कर दी। अरे एक्सीडेंट में मौत होती थी हम 4 लाख देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दिए, कांग्रेस ने बंद कर दिए, सामान्य मौत पर 2 लाख। और गुनाह पूछते कमलनाथ तो तुमने कफन के 5,000 रुपया भी देना गरीब को बंद कर दिए थे, ये पाप किया था तुमने जो मैं संबल योजना मिले थे। समाचार में तुमने सत्यानाश कर दिया। कमलनाथ पूछते मैंने क्या गुनाह किया था, क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था, मैं कन्याओं की शादी करवाता था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, तुमने कन्याओं के खाते में पैसा नहीं जाने दिए, शादी हो गई पैसा नहीं गए। कमलनाथ तुमने पाप किया था, मैं बहनों को गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता था, 16,000 लड्डू खा ले गरीब बहन। इसलिए कमलनाथ तूने तो गरीब बहन के लड़ुआ भी छीन लिए थी रे, क्या ये पाप नहीं था? तुमने पाप किया था, मेरे बच्चों की साइकिल छीन ली थी, तुमने पाप किया था, मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, ये कमलनाथ ने लैपटॉप देना बच्चों को बंद कर दिए, तुमने पाप किया था, तीर्थ दर्शन यात्रा बुजुर्गों से बंद करवाई थी, ये पाप था तुम्हारा। और कमलनाथ तुमने पाप किया था, प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि बनाई, मोदी जी ने नाम नहीं भेजे कमलनाथ ने किसानों के, ताकि किसानों के खेत के खाते में पैसा नहीं मिल जाए। बताओ ये पाप था कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी बहनों एक और योजना जल जीवन मिशन, मेरी लाडली बहनों सुन लो, अब तुम्हारे घरों में हैंडपंप से पीने का पानी नहीं आएगा, पाइपलाइन बिछा के गांव में टंकी बना के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, टोटी खोलोगी तो झर झर पानी आएगा, गुल्ल गगरा सब भर जाएंगे। कमलनाथ तुमने पाप किया था, जल जीवन मिशन की योजना लागू नहीं करने दी, पूछते हो क्या पाप और गुनाह किया था? जनता को ठगने वाले आज पूछ रहे हो, और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूँ।
बदलने के लिए, केवल इतने नहीं, एक बात और मेरी बहनों सुन लेना, समय मेरे पास कम है, भाइयों तुम भी सुन लेना, हमने तय किया है, यह संकल्प है हमारा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके मकान बच गए, टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में रह रहे हैं, उनको लाडली बहना मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाइए, उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे हम, कोई को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। मेरी बहनों और भाइयों, 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, 450 रुपया में हम गैस का सिलेंडर देंगे। अभी तो बेलगड़ा डैम से नर्मदा जी से पीने का पानी आए गई, वो मैंने बता ही दिया। और इसके साथ मेरी बहनों और भाइयों, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जाता हूँ दौड़ते हैं चिल्लाते हैं, मामा हे मामा ओ मामा, बड़े बच्चे तो आजकल शरारत भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये भांजे भांजियों से हमारे रिश्ते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो जानते नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, कुछ दे सकता है कि उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन माँ की गोद में बैठा बैठा भी चिल्लाता है मामा ओ मामा हे मामा। ये क्या है, ये भगवान ने रिश्ता बनाया है मेरे और बच्चों के बीच का रिश्ता है, अब वो बच्चा भी मुझे मामा कहता है मामा, और मैं इन बच्चों का भविष्य बना के रखूंगा। और इसलिए आश्रम शालाएं, छात्रावास, कन्या शिक्षा परिषद, सीएम राइज स्कूल बना रहे, सीएम राइज स्कूल, ओम प्रकाश जी यहाँ दो बन रहे होंगे, सीएम राइज स्कूल है हर ब्लॉक, हाँ 500 सीटर बन रहे। ये सीएम राइज स्कूल क्या है, एक मिनट में बताऊंगा, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल, गरीब आदिवासी कोई भी जाति के हो, उन बेटा बेटियों के लिए एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, उसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी, हर 20 गांव के बीच में सीएम राइज स्कूल एक बनाया जाएगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, जो शिक्षा अरबपति को मिलती है उनके बच्चों को वो मैं दूंगा आदिवासी क्षेत्रों में भी मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि वो मेरे भांजी और भांजी है, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देना। दूसरे गांव पढ़ने जाते पांचवी पास करके छठवीं में, कमलनाथ ने बंद कर दी थी, 4,500 रुपया साइकिल के डाले, आठवीं पास करके नौवीं दूसरे गांव जाए, 4,500 साइकिल के डाले, अच्छे नंबर लाए तो मामा ने फिर लैपटॉप दिलवाए, और अपने अपने हाई हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर एक पर बेटा आया और एक बेटी आई तो मामा ने स्कूटी दिलवाई, स्कूटी ताकि स्कूटी पर बैठ के जाए, काहे के लिए दिलवाई, इसलिए कि बच्चों में ये भाव पैदा हो तो खूब पढ़ाई करो तो मामा स्कूटी देगा, मामा लैपटॉप देगा, और इस बहाने मेरे बच्चे और अच्छे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए कर रहे हैं। और एक बात और सुन लेना, कोई बेटा बेटी हो, आदिवासी हो गैर आदिवासी, कोई बेटा बेटी अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, प्राइवेट कोटा सरकारी में हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 14-14 लाख रुपया साल, गरीब का बेटा बेटी नहीं दे सकता, किसान का नहीं दे सकता, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, मामा चिंता मत करना, बच्चों को पढ़ाना है ताकि आगे बढ़ के अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर सके। ये अपनी सरकार है, अपनी सरकार, बहनों पत्ता तोड़ने वाले बहनों भाइयों को हमने बहनों को चप्पल पहनाई, पाओ पीने के पानी की कुप्पी सारी दी, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस वाली व्यंग कर रही थी तो ये तो चप्पल पहनाता है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि बहन के पाँव में अगर कांटे गड़ते हैं तो बहन के पाँव में नहीं गड़ते, वो इस भाई के सीने में गड़ते हैं, इसलिए मैं चप्पल पहनाऊंगा, भाई को जूते पहनाऊंगा, मैं साड़ी दूंगा, मैं पीने के पानी की कुप्पी दूंगा, और मैं इनका 200 रुपया छत्ता के भी डालूंगा, छाता धूप में सर्दी में बरसात में मेरी बहनों को पानी न लग जाए, इसलिए भाई ने तेंदू पत्ता तोड़ने वाली बहनों के खाते में 200 रुपया उसके भी डाले, जिनको जलना है वो जलते रहे, मुझे परवाह नहीं है,
मैं अपने भाई और बहनों की जिंदगी और भविष्य बेहतर बनाऊंगा। हमने पैसा एक्ट लागू किया, कोई गलत फहमी किसी को ना हो, नुकसान किसी का नहीं है, लेकिन अधिकार दिया ग्राम सभा को कि अगर तुम चाहो तो वन विभाग तेंदू पत्ता नहीं तोड़ेगा, आप खुद तेंदू पत्ता तोड़ो, आप बेचो और उसका मुनाफा आपके पास रहेगा, गांव में रहेगा, ग्राम सभा में रहेगा। जिंदगी बदलने की कोशिश की। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं कई काम अभी करने हैं। एक बात और, ओम प्रकाश जी, हमने एक फैसला और किया है, हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, यह मेरा अगला लक्ष्य है। कोई ना कोई एक रोजगार हर परिवार, शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री जी को कमा हो, कोई ना कोई दूंगा, हर परिवार का सर्वे करके चाहे कुछ हो जाए, पलायन नहीं होने देंगे मेरे भाई, पलायन से मुक्त करेंगे, पलायन से मुक्त करेंगे। इसलिए हम सरकार में हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे आज निवेदन करने आया हूं, सवा साल के लिए आई थी कांग्रेस, तबाह पर बर्बाद कर दिया था, आज जरा मुझे दिल से बताना, कितने साल से आप मुझे देख रहे हो, बताओ आप सबको मुझे विश्वास है कि नहीं है, जोर से बताओ सबको विश्वास है, तो मैं उस विश्वास को जान भले ही चली जाए टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। और आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं कि ये सब काम मुझे करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है, तो फिर से एक बार सरकार बनाओ ताकि मैं ये काम पूरे कर सकूं। कहीं कांग्रेस आ गई तो सारे काम ठप हो जाएंगे। और इसलिए हमने आग्रह पूर्वक ओम प्रकाश ध्रुवे जी को इस क्षेत्र से लड़ाया है। ओम प्रकाश जी, तस्वीर भी बदलनी, तकदीर भी बदलनी है। आप सक्षम समर्थ नेता हो, आप बेहतर सेवा करोगे, आप गरीबों के दर्द को समझोगे, इसलिए जाओ यहाँ से चुनाव लड़ो। तो पार्टी ने चुनाव में आपकी सेवा करने के लिए इनको भेजा है। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ, सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से आपका प्यार और आशीर्वाद ओम प्रकाश द्विवेदी को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए और मामा को भी दे दीजिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा। आप कोई भी भ्रम में मत आना, ये कांग्रेसी बड़े मायावी है। अभी तो मेरी शिकायत कर रहे हैं कि ये मामा पैसे डाल रहा है, पैसे डालना बंद करो। अरे मैं इनका दुनिया की कोई ताकत अब पैसा बंद नहीं कर सकता। मेरी बहनों, तुम्हारा भाई जिन्ना है, कोई बंद नहीं कर सकता। जिनको जन्ना जरा करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ बस खड़े रहो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहो, हम बदल देंगे जमाना, हम बदल देंगे जिंदगी। हमने ही आज काम किया है। अभी नर्मदा जी का कौन ने बनाया, कभी कांग्रेस ने बनाया क्या? गांव गांव में सड़क कौन ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई क्या? क्या किया कांग्रेस ने? बस आओ मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरे साथ मिलकर संकल्प लो, सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से ओम प्रकाश ध्रुवे को आप चुनाव जिताएंगे ताकि मैं सारे ये काम पूरे कर सकूं। बोलिए सब तैयार है? तो अब एक बार मामा और भाई के साथ खड़े रह के संकल्प लो कि चाहे कुछ हो जाए हम काम करेंगे, हम ओम प्रकाश ध्रुवे बनेंगे और हम चुनाव जिता के लाएंगे, बाकी काम भाई का और मामा का अपने अपने जगह खड़े हो जाए और दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, बोलो सब जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, ओम प्रकाश जी को विधायक बनाए, मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे। तो बोलिए भारत माता की